वन डे ड्यूरिंग रिसेस इन स्कूल नेहा आस्क कृति, वेयर विल यू गो दिस समर कृति? कृति रिप्लाइड, नेहा वी आर नॉट गोइंग एनी वेयर दिस समर। एक दिन स्कूल में नेहा कृति से क्या पूछती है, कृति तुम लोग इस समर में कहाँ जाओगे? कृति क्या कहती है, नेहा हम लोग इस समर वेकेशन में कहीं नहीं जाएंगे, वी विल स्टे हेयर ओनली इन चित्तौड़गढ़। हम लोग कहाँ रहेंगे, चित्तौड़गढ़ में ही रहेंगे। शी कंटिन्यूड, वह आगे बताती है, एक्चुअली माई बुआ जी फूफा जी एंड कजन्स आर कमिंग टू विजिट चित्तौड़गढ़। मेरे बुआ जी फूफा जी और कजन्स चित्तौड़गढ़ रहने के लिए आ रहे हैं। और आई शाइन विद जॉय, उसकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं। नेहा वी ऑल विल हैव फन हेयर ओनली, नेहा हम सब लोग यही मस्ती करेंगे। आई विल गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट दैम आफ्टर टू लॉन्ग ईयर्स, सैड कृति। कृति क्या कहती है, मुझे यह अवसर उनसे मिलने का 2 साल बाद में मिला है। ऑल राइट कृति, नेहा क्या कहती है, ठीक है कृति, वी विल शेयर आवर एक्सपीरियंस, हम लोग अपना अनुभव शेयर करेंगे। वैन वी मीट आफ्टर दिस समर वेकेशन, जब भी हम समर वेकेशन के बाद में मिलेंगे हम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। कृति इज फैमिली, कृति कृति हैज जॉइंट फैमिली अपार्ट फ्रॉम हर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, हर ग्रैंड पेरेंट्स अंकल आंट एंड कजन्स ऑल्सो लिव इन द सेम हाउस। कृति की फैमिली कैसी है, जॉइंट फैमिली है, उसके माता पिता और भाई बहन को छोड़कर दादाजी दादी जी चाचा जी चाची जी एंड कजन्स सब लोग एक ही घर में रहते हैं। दादाजी ऑफन टेक्स ऑल द इम्पॉर्टेंट डिसीजन, घर में जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो कौन लेता है, दादाजी लेते हैं। वी ऑलरेडी नो दैट अ जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स अवर सिबलिंग्स अंकल आंट एंड कजन। जैसा कि हम जानते हैं जॉइंट फैमिली में कौन कौन रहता है, ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स सिबलिंग्स अंकल आंट और कजन्स। कृति हैज सीन मैनी इंसिडेंट्स व्हेन देयर ऑकर्स डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन दादाजी एंड हर फादर। कृति ने ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखी हैं जब जहां पर उस डिफरेंस मतलब अंतर, ओपिनियन मतलब विचारों में, ऑकर मतलब होना, कि उसके दादाजी और उसके पापा के विचारों में जब अंतर होता है, तो ऐसे उसने अपने घर में बहुत सारी घटनाएं देखी है। बट हर दादाजी इज ऑल्सो ओपन माइंडेड, लेकिन उसके दादाजी कैसे हैं, खुले विचारों वाले हैं। ही हैज चेंज अलॉट विद टाइम, उन्होंने खुद को चेंज कर लिया है समय के साथ में। एट द सेम टाइम ऑल द फैमिली मेंबर्स रिगार्ड दादाजी एंड दादाजी, लेकिन घर के सभी फैमिली मेंबर्स उनका सम्मान करते हैं। किनका सम्मान करते हैं, दादाजी और दादी जी का। दे लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस, वो सीखते हैं उनके अनुभव से। अर्लियर पहले दादाजी वॉज द ओपिनियन दैट ऑफ ए गर्ल दैट ए गर्ल शुड नॉट स्टडी टू मच। पहले दादाजी का ओपिनियन कैसे था, विचार कैसे थे कि लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। बट नाउ ही हिमसेल्फ इनकरेजेस गर्ल्स एजुकेशन, लेकिन अब वो खुद प्रोत्साहित करते हैं किसको, गर्ल्स की एजुकेशन को। इन कृति's फैमिली, कृति की फैमिली में दादाजी टेक्स द फाइनल डिसीजन, फाइनल डिसीजन अंतिम निर्णय कौन लेता है, ऑन एनी इम्पॉर्टेंट मैटर, कोई भी महत्वपूर्ण काम में या कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन इम्पॉर्टेंट मैटर के ऊपर कौन डिसीजन लेता है, उसके दादाजी। बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, कोई भी निर्णय लेने से पहले ही कंसल्ट ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली, वो लोग किससे कंसर्न करते हैं, फैमिली के ईच और एवरी मेंबर। कंसल्ट मतलब परामर्श, सलाह लेते हैं, राय लेते हैं, विचार जानते हैं, फैमिली में जितने भी लोग रहते हैं उन सबसे उनके डिसीजन के ऊपर इच्छाएं राय जानते हैं। व्हेन ही गेट कन्विंस, जब उनको लगता है कि वो कन्विंस हो गए हैं, उनको विश्वास हो जाता है, ही टेक्स द डिसीजन इन द बेनिफिट ऑफ द फैमिली, और वो डिसीजन किसकी बेनिफिट में लेते हैं, फैमिली के बेनिफिट में लेते हैं। ही इवन अलाउड कृति's कजन टू स्टडी इन दिल्ली, पर वो साथ में ही कृति की कजन को दिल्ली में पढ़ने के लिए परमिशन भी देते हैं। ही इज काइंड एंड लव्स एवरीबॉडी इन द फैमिली, वो बहुत ही दयालु है और सबसे प्यार करते हैं। नेहा एंड कृति बोथ आर गुड इन देयर स्टडी, नेहा और कृति दोनों ही बहुत अच्छी हैं पढ़ाई में। दे बोथ हैव गुड मॉरल वैल्यूज, और उनके अंदर नैतिक मूल्य भी बहुत अच्छे हैं। टुडे दे आर मीटिंग आफ्टर ए लॉन्ग समर वैकेशन, आज वो लंबी समर वैकेशन के बाद में मिलने वाले हैं। हेलो नेहा, हाउ आर यू, कृति सेड। कृति क्या कहती है, हेलो नेहा तुम कैसी हो। नेहा हग कृति एंड रिप्लाइड, नेहा कृति को गले लगाती है और कहती है, आई एम फाइन कृति, मैं ठीक हूँ, थैंक यू, हाउ आर यू, तुम कैसी हो डियर। आई एम परफेक्टली ओके नेहा, कृति कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
यू फर्स्टली टेल मी हाउ वॉज योर समर वेकेशन। तुम मुझे सबसे पहले बताओ तुम्हारी समर वेकेशन कैसी रही, डिड यू इंजॉय, क्या तुमने इंजॉय किया, व्हाट डिड यू डू इन देयर इन द उदयपुर, तुमने उदयपुर में क्या किया, हुम डिड यू मीट, तुम किन लोगों से मिली। ईगर एंड एक्साइटेड कृति आस्क टू मैनी क्वेश्चन एट द सेम टाइम। उत्सुक कृति और एक्साइटमेंट में कृति एक ही टाइम पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेती है। श्योर आई विल डेफिनेटली शेयर माई एक्सपीरियंस, जरूर मैं तुम्हारे साथ अपना अनुभव शेयर करूंगी। कूल डाउन, पहले तुम बैठ जाओ आराम से, रिप्लाइड नेहा। नेहा कृतियों कहती है तुम लोग आराम से बैठ जाओ, मैं अपना अनुभव तुम्हारे साथ में शेयर करूंगी। शी देन स्पोक, वह आगे बताती है।